अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना। ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह कुछ बिखरे बिखरे से रहते हैं मेरे शब्द आजकल, जैसे पुरानी किताब में छपी नई कहानी आजकल। पागलपन बेचैनी कशमकश उलझन चाहत लिख रहे हैं मेरे जज्बात ना जाने क्या आजकल। पूरी हूँ मैं फिर भी अधूरा सा लगता है, तुम क्यों नहीं आते हो सपनों में आज। कभी मिलो तो तुम्हारी धड़कने गिन के देखूं, रहती है क्यों मेरी तरह बेकरार आजकल। छूना चाहूँ तो भी तुम्हें छू कैसे, मेरे दिल तक नहीं पहुँचते हाथ आजकल। यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हैं। आपके लिए जो लिखा था आपने उसे पढ़ लिया। मैंने कुछ और भी मांगा होता शायद वो भी आज मिल जाता। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा लिखती हो। किसके लिए लिखा है ये? ओह, बॉयफ्रेंड। फ्रेंड मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसके लिए? जी नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तो फिर? मैं अपने लिए लिखती हूँ। अरे थोड़ा क्या झूठ बोल रही है तुम। इसे पढ़कर कोई भी बता देगा कि तुमने ये उसके लिए लिखा है जिससे तुम प्यार करती। मैं भी ना। अरे तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम अपने लिए लिखो किसी और के लिए मुझे उससे क्या। लेकिन लिखा तुमने बहुत अच्छा। वैसे मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें एक लिरिसिस्ट की तरह हायर कर लूं, लेकिन तुम्हारी जो राइटिंग है ना पुराने जमाने की है। इतने भारी हिंदी वर्ड्स कौन यूज करता है? बहुत मीनिंगफुल है, बहुत सोलफुल है। आजकल ऐसा कोई पसंद नहीं करता। मैंने कहा ना मैं अपने लिए लिखती हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को पसंद आए ना आए। वेट अ सेकेंड, अगर तुम मेरी फैन हो तो तुम्हें ये सब कुछ कैसे पसंद है? नहीं मेरा मतलब है कि मेरे गानों में मैं ऐसे भारी वर्ड्स तो नहीं ना यूज करता हूँ। ना ही मेरे गाने मीनिंगफुल होते हैं, सोलफुल होते हैं, बस रियली कूल होते हैं। तो अगर तुम मेरी सबसे बड़ी फैन हो तो हमारे जो चॉइसेस है, जो प्रेफरेंसेस है, वो इतने अलग अलग क्यों? यू डोंट नीड टू टेल मी, I know, पता चल गया मुझे। तुम मेरे गुड लुक से इंप्रेस होती हो, राइट? जी नहीं, मैं लोगों की सूरत से नहीं उनकी सीरत से इंप्रेस होती हूँ। What? सीरत? वो क्या है? नेचर, नेचर। किसी इंसान के नेचर से इंप्रेस होती हूँ। नेचर? ये बताओ कि तुम्हें मेरे हाय फैंस एवरीवेयर ड्यूड, तुम्हें मेरे गानों में क्या पसंद है? आप क्योंकि जैसे कभी कभी हमें बेवजह खुशी मिलती है ना, वैसे ही कभी कभी हमें बेवजह से बिना सोल के बिना मतलब के मीनिंगलेस गाने पसंद आ जाते हैं। क्या कहा तुम? यहाँ पर मैं तुम्हारे राइटिंग की तारीफ कर रहा हूँ और तुम मेरे गानों की धजिया उड़ा रही। नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? वो मैं क्या? मैं
क्या बोल रही थी तुम? कुछ नहीं, आप मेरा पेपर लौटा दीजिए। कौन सा पेपर? कौन सा पेपर मतलब क्या? ये पेपर जो आपके हाथ में? अगर मेरे हाथ में तो तुम्हारा कैसे? मतलब ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका हाथ उसका पेपर। गो। तुम्हें पेपर चाहिए? हाँ। ओके, तो ले लो ना। अरे लो लो लो। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। ओ अपने रूठे पराए रूठे यार, रूठे ना, अब टूटे वारे टूटे दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह क्या कि तुमने तुम जानबूझकर की रही ना, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम मेरे पास आ पाओगी, राइट? मैंने कुछ नहीं किया, जो कर रहे थे आप कर रहे थे। आपने पेपर ऐसे उछाला ताकि मैं गिर जाऊं, आप मुझे पकड़े और मैं आपके करीब आ। मैं तुम्हें अपने पास क्यों लाऊंगा? अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो मेरा पेपर मुझे वापस कर दो। कौन सा पेपर? यही जो आपके हाथ में। जो मेरे हाथ में था यू मेरे जेब में। देखिए, मैं आपकी बात पूछ रही हूँ, आप मेरा पेपर लौटाएंगे या नहीं? ठीक है, मैंने तुम्हारा ये पेपर लिया ना, तो बदले में मैं भी तुम्हें एक चीज दूंगा। ये भाई किससे बात कर रहे? कोई लड़की है? कहीं प्रज्ञा तो नहीं? तो मैंने तुम्हारा पोएम लिया, राइट? तो मेरी एक कैप ले सकती है। क्या डील? मैं ये कैप पे अपनी पहनती, ये आप रखिए, आपको सूट करता है। देखा, तुमने बोल ही दिया ना कि तुम मेरे गुड लुक्स की दीवानी हो, है ना? देखिए, आपको पेपर नहीं देना बनती, आप मेरी पोइम चुरा सकते हैं, मेरी सोच थी, मैं दोबारा लिख लूंगी, मैं जा रही हूँ। हाँ तो जाओ। बाय। हाँ जाओ जाओ, मैं आके तुम्हारे बॉस को बोल दूंगा कि तुम ऑफिस में काम वाम करती हो, यहाँ पर बैठकर पोएम लिखती हो। मैं भी बोल दूंगी मिस्टर सेठी को कि आप रिकॉर्डिंग करने की जगह यहाँ टाइम पास करें। अरे मिस्टर मेठी को भी बोल दो, मेरे पापा थोड़ी लगते, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये दी का दी, आप कहाँ थे? मैं मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। चलो चलते। नहीं नहीं, चलो चलो चलो। अरे वाह, मैंने तो ये लेवल क्लियर कर लिया। सरला, क्या बात है, क्या सोच रही? ओए सरला, सब्जी काटते हुए तो ध्यान यहाँ रख, हाथ कट गया ना तो लेने के देने पड़ जाने। पता नहीं बीजी, बहुत सोच रही हूँ लेकिन दिमाग से कुछ बातें जा ही नहीं रही।
कौन सी बात? यही कि अभी और प्रज्ञा को एक साथ देखकर मैं खुश हूँ या दुखी। पीजी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान ने उन दोनों बच्चों की जिंदगी में क्या लिखा। जब भी मेरी बच्ची अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, भगवान उसके हर रास्ते घुमा फिरा के अभी पर आकर क्यों रोक देता है? पीजी क्या मेरी बच्ची कभी खुश नहीं रहेगी? तो अभी और प्रज्ञा को साथ देकर खुश नहीं? पीजी प्रज्ञा अभी को पहचानती है, वो ये जानती है कि अभी उसका पति है, लेकिन अभी पीछे अभी तो प्रज्ञा को पहचानता ही नहीं है। उसे क्या पता कि वो उसकी पत्नी है? उसके लिए वो सिर्फ एक फैन है और वो हमारे घर में आया था एक फैन के परिवार से मिलने, बस। आप भी बताओ पीछे, जिंदगी में अगर एक इंसान के सामने उसकी मंजिल हो ना, तो रास्ते कितने भी मुश्किल हो, कम से कम एक उम्मीद तो रहती है कि कुछ ना हो, पूरी जिंदगी भी लग जाए, फिर भी उस मंजिल तक इंसान पहुंच जाएगा। लेकिन प्रज्ञा की जिंदगी में, प्रज्ञा की जिंदगी में कोई मंजिल नहीं है बीजी, कोई मंजिल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी की जिंदगी में क्या होगा, क्या लिखा है भगवान ने। सरला तो क्यों ऐसा उल्टा सीधा सोच? देख तुझे पता है ना, प्रज्ञा अभी से नहीं मिलना चाहती है ना, फिर भी वो उससे मिली। क्यों? इसलिए कि प्रज्ञा के दिल में अभी के लिए जो प्यार है ना, उस प्यार ने अभी को उसकी तरफ खींचा, और उन दोनों का जो ये प्यार है ना एक दूसरे के लिए, वही उनको नजदीक लाएगा। और ये जो मंजिल हमें लगता है कि अलग अलग हो गई, वो एक हो जाएगी। ये जो है ना, मेरा कहना नहीं, ऊपर वाले का कहना है। देख दोनों बच्चों को जुदा किया उसने, अब मिलवाया उसने। हाँ बीजी, लेकिन कुछ बातें हमें अपने हाथ में भी लेनी चाहिए। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। और आप कैसे भूल गई? सुना नहीं आपने उसने क्या कहा कि अगर उसे पता चला ना कि प्रज्ञा अभी से मिल रही है, तो वो हम सबको छोड़ेगी नहीं। पीजी मेरा आपका तो सही है, लेकिन लेकिन प्रज्ञा, अगर उसने मेरी प्रज्ञा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे? पीजी बहुत बहुत दुख झेल ली है उसने वहां उस ससुराल में, अब कम से कम अपने मायके में तो मेरी बच्ची पर। पीजी मैं उसे दुखी नहीं देख सकती, मैं उसकी इतनी सी खुशी के लिए ना इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकती। सरला तुझे नजर नहीं आता कि वो खुश है? हाँ देखना, जब वहां से इस घर में वापस आई थी तब कितनी उदास थी, गुम सुम एक कोने में पड़ी रहती थी, ना किसी से बात करती थी, ना हंसती थी, ना बोलती थी। फिर बाहर निकली, अभी से मिली, और फिर उसका जो चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था, फूल की तरह खिल गया। ये सब किस लिए हुआ, कैसे हुआ? ये अभी के मिलने का असर था, और जो जो वो लोग ज्यादा मिलते जाएंगे असर बढ़ता जाएगा। बेटा हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। बीजी मैं भी यही चाहती कि मेरी प्रज्ञा हमेशा खुश रहे, लेकिन अगर उसकी खुशी की उसे कोई कीमत चुकानी पड़ेगी तो वो मैं होने नहीं दूंगी। तू ज्यादा उल्टा सीधा सोचना बंद कर और जाकर खाना बना, और जब तक मेरा गेहूं खत्म होता है ना तब तक तेरा खाना बन जाना चाहिए। और तुझे पता है ना मेरे डिनर का टाइम होने वाला है, बैठी क्या है, जा जाके खाना बना। भाई वैसे वो लड़की कौन थी? तो एक बात बताइए, अब वहाँ किसी लड़के से बात कर रही थी, कौन था वो? वो कोई लड़का था, वो कहीं जा रहा था। जा रहा था का क्या मतलब? आप ऐसे थोड़ा किसी भी जाते हुए आदमी से बात करती हैं, कौन था वो? नहीं वो ये बहुत अच्छा लड़का था, मेरी एक चीज गिर गई थी तो उठाकर मुझे दे रहा था, मैं थैंक यू बोल रही थी। फैन थी वो, फैन। ओह। और डैम, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलता। I just hate traffic, man. पता है भीड़ मुझे अपने शोज में अच्छी लगती है, लेकिन रास्ते पर नहीं। अले आओ। वो पूरब है ना? कहाँ? वो वहाँ उस गाड़ी में। इसी लड़की के साथ है वो, हाँ? Oh my God.
कहीं अब ये पूरब कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। पर वो लड़की है कौन? अगर अभी ने मुझे प्रज्ञा दी के साथ देख लिया ना तो जरूर पूछेगा कि वो है कौन, पर मैं जवाब क्या दूंगा? वो देखिए अभी अभी की गाड़ी थी। ये काम करिए, आप छुप जाइए, अगर उसने देख लिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप नीचे छुप जाइए। और वो छुप क्यों रही है, हम जानते हैं क्या उसे? अरे Dude, what a guy, man. लड़की के साथ था तो दोस्त को भूल गया। तुमने देखा उस लड़की को? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, पर मैंने देखा ना। अब आने दो उसे घर पे, ऐसी क्लास लूंगा कि लड़की को मना भूल जाएगा वो। Thank God थी। बार बार मैं उसे ही क्यों याद कर रहा हूं? मुझे उसकी आंखों में ना देखना ही नहीं चाहिए था। अरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। अब निकलेगी। दिल की सारी बातें एक कागज पर लिखी और भगवान से प्रार्थना की कि वो कागज किसी तरह उन तक पहुंच जाए। और पता है क्या, वाकई वो कागज उन तक पहुंच गया। आज अगर भगवान से मैंने इसकी जगह ये मांगा होता ना कि वो मुझे मिल जाए, तो आज तुम्हारी जगह वो यहाँ बैठे होते और मैं उनसे बातें कर रही होती। लेकिन पता नहीं वो पढ़ेंगे या नहीं। उन्हें याद भी होगा उनके पॉकेट में मेरी दिल की सारी बातें पढ़ी। पागलपन, बेचैनी, कश्मकश, उलझन, चाहत, लिख रहे हैं मेरे जज्बात ना जाने क्या आजकल। लाइंस तो एकदम भारी है। आगे पढ़ के देखता हूं। कभी मिलो तो तुम्हारी धड़कनें गिन कर देखूं, रहती है क्या वो मेरी तरफ बेकरार आजकल। अरे किसी से प्यार नहीं करती और ऐसा लिखती। जब भी किसी से प्यार करेगी तो कहर मचा देगी, कत्ल करेगी, कत्ल। छूना चाहो भी तो तुम्हें छू कैसे, मेरे दिल तक नहीं पहुंचते हाथ आजकल। जो भी है बॉस, बहुत इमोशनल टाइप की लड़की है। और अगर पढ़ा तो क्या सोचेंगे? यही ना कि मैं बहुत इमोशनल हूं, और तुम जानते हो ना उन्हें इमोशनल बातें बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन उन लाइंस के पीछे छिपे मेरी फीलिंग्स को समझेंगे। अगर मेरी फीलिंग्स समझेंगे तो जरूर मुझसे मिलेंगे। मिलेंगे ना? यार ये तो बहुत ही सेंटी लाइंस है। जो पढ़ ले ना वो इसके पीछे की फीलिंग्स में ही खो जाए। मन कर रहा है इन्हें अपनी नई एल्बम में यूज करूं। लव सॉन्ग के साथ एक इमोशनल सॉन्ग भी डालूं, सेम वर्डिंग के साथ। नहीं यार, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? ये तो उसकी पोयम है। हाँ, पर एक काम तो कर ही सकता हूँ। उसकी पोयम के लिए उसे पैसे दे दूंगा और क्रेडिट खुद रख लूंगा। और अगर सॉन्ग हिट हो गया तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं उसे हायर कर लूंगा। चीयर्स। से पढ़ने की आदत तो है नहीं उन्हें, लेकिन अगर इस वक्त वो पढ़ रहे होंगे तो जरूर पढ़ते पढ़ते सो जाएं। भी सो जाते क्यों?
मिलो तो तुम्हारी धड़कने गिन के देखूं, रहती है कि वो मेरी तरह बेकरार आज छूना चाहो तो भी तुम्हें छू कैसे, मेरे दिल तक नहीं पहुंचते हाथ आज का मुझे जीना आया है तेरा मेरा मिलना दस्तूर है तेरे होने से मुझ में अपने आप को मेरे सबसे बड़े फैन कहते थे ना तुम लोग लेकिन प्रूफ नहीं करते महताब तू नहीं मुझे फोटो नहीं चाहिए फोटो नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए अरे कंपटीशन जीती हो तो फोटो तो बनता ही तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना